जनपद पंचायत घनसौर में पदस्थ एक बाबू पर पैसों के लेनदेन का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले शिक्षक रतिराम मरावी आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत के एक बाबू ने उनसे लगभग 1 लाख की रिश्वत लेने के बाद भी उनका काम नहीं किया और अब काम के विषय की चर्चा करने पर भद्दी भद्दी गालियां देता है। इस पूरे ही मामले में जब हमारी टीम ने जनपद पंचायत घनसौर में पदस्थ बीएल चौधरी, जो यहाँ क्लर्क है, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे में आने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में ही एक गवाह जरूर सामने निकल के आया है, जिसका कहना है कि चौधरी बाबू और रविराम शिक्षक के बीच 1,10,000 रुपये का ठेका उसी के सामने हुआ था। 4 साल पहले रिटायरमेंट हो गया हूँ मैं, और चौधरी बाबू को पैसा की मांग की थी तो मैंने 1 लाख से ऊपर पैसा दे दिया, मगर अभी तक मेरा कोई काम ही नहीं कर रहा। मैं अभी जा रहा हूँ आ रहा हूँ और मैं उसी के भरोसे तो हूँ, मैं पेंशन के भरोसा। इनकी रिटायरमेंट की जो क्लेम जो मिलना था, क्रमोन्नति संबंधी जो बात हुई थी चौधरी बाबू के साथ में, 1,10,000 रुपये का ठेका हुआ था चौधरी बाबू और रतिराम मराई मां साहब के बीच में, जिसमें से पहली किस्त मेरे सामने 10,000 रुपये की राशि मेरे सामने दिए थे रतिराम मरावी जी ने।